video we are going to look at the IELTS test in Canada January 2024 and that is general training so now look at the questions for IELTS listening test part 1 questions were filling the blanks and uh, one word only and part 2 questions were multiple choice and map labeling part 3 questions multiple choice and choose the correct answer choose the correct statement and part 4 questions fill in the blanks one word and or a number for writing test 1 letter was about you need a website for your business and you would like to ask your friend to build it write a letter to your friend in your letter

आई से रिलेटेड ओके आई टी से टैक्स से जो भी है उन्हें तो इन, इसके बारे में इंफॉर्मेशन होगी ठीक है क्योंकि सम स्पेसिफिक वर्ड्स भी होते हैं जैसे वेबसाइट है तो ये टॉपिक रिलेटेड वो कैबुलरी जो है वो बहुत मैटर करती है तो उनके पास तो वर्ड्स होंगे लेकिन जो आ, दूसरे स्टूडेंट्स हैं जैसे साइंस हैं उन्हें अगर इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो अगर टॉपिक रिलेटेड वो कैबुलरी होनी चाहिए ठीक है अब आपने कुछ जो बताना है अपने फ्रेंड को कह है यू नीड अ वेबसाइट फॉर योर बिजनेस और आपका बिजनेस भी आपने कोई अगर आपका बिज़नेस है तो ठीक है लेकिन अगर नहीं है तो आपको सपोज करना पड़ेगा तो इस तरह से ये जो पास्ट पेपर क्वेश्चंस होते हैं या जो लेटेस्ट क्वेश्चंस एक्चुअल एग्ज़ाम में आए होते हैं उन्हें पढ़ के आपको थोड़ा आइडिया हो जाता है कि इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं इस तरह के टॉपिक पे आ रहे हैं और अगर आपने कमिंग डेज़ में देने हैं तो आपको हर टॉपिक के ऊपर कमांड होनी चाहिए क्योंकि अगर आपको ऐसा टॉपिक आ जाता है जिसकी आपकी वो खैबुलर ही नहीं है जहन में और आपको उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है तो फिर आप क्या लिखेंगे आप वरी मतलब आप परेशान हो जाएंगे कि आप क्या लिखें तो अपनी जो टॉपिक रिलेटेड वो खैबुलर है ना उस पर थोड़ा सा फोकस करें तो ये था राइटिंग टास्क वन लेटर फॉर जनरल ट्रेनिंग अब हम देखेंगे राइटिंग टास्क टू क्या आया था जनवरी 2024 सो राइटिंग टास्क टू ऐसे जो आया था सम पीपल बिलीव डेट फ्रेंड्स हैव अ बिगर इम्पैक्ट ऑन यंग पीपल वेल अदर्स थिंक पेरेंट्स एंड टीचर्स इन्फ्लुएंस दैम मोर डिस्कस बोथ व्यूज एंड गिव योर ओपिनियन अब जनरल ट्रेनिंग में जो मेरी लास्ट वीडियो जो मैंने इससे पहले अपलोड की थी वो फेब्ररी 2024 के क्वेश्चंस मैंने बताए थे एकेडमिक के वो जो था वो वर्क या जॉब से रिलेटेड था लेकिन ये जो है ये फैमिली से रिलेटेड है तो यही है जनरल ट्रेनिंग में मोस्टली फैमिली चिल्ड्रन इस तरह के जो होते हैं टॉपिक्स वो आते हैं ठीक है वैसे ऐसे टॉपिक्स सेम तो होते हैं लेकिन ज़्यादातर इसमें फैमिली फ्रेंड्स उसमें वर्क एजुकेशन इन्वायरमेंट से रिलेटेड आते हैं तो आपके पास आइडियाज़ होने चाहिए अब आपने ये बताना है कि फ्रेंड्स जो हैं वो इम्पैक्ट करते हैं यंग पीपल पे ज़्यादा या पेरेंट्स एंड टीचर्स इनको इन्फ्लुएंस करते हैं अब इसी क्वेश्चन में दो सी नॉनिम्स हैं एक है इम्पैक्ट और एक है इन्फ्लुएंस इन दोनों का मीनिंग सेम है ठीक है अब इन्होंने क्वेश्चन में ही दो सी नॉनिम यूज़ किए हैं और जब आपने अपना बॉडी पैराग्राफ इंट्रोडक्शन कंक्लूजन ये लिखना है तो आप अपने जहन में और इसके सी नॉनिम्स लेकर आएँ और वो लिखें ठीक है यंग पीपल के लिए आप यंगस्टर्स भी यूज़ कर सकते हैं ठीक है और यंग पीपल यंगस्टर्स ठीक है ये यूज़ करके और भी एक दो सी नॉनिम्स जो आप यंग पीपल के लिए यूज़ कर सकते हैं uh, तो वो आप जो है यंग पीपल ओल्ड पीपल ओल्ड पीपल उसका ऑपोजिट हो जाएगा तो इस तरह से किसी तरह आप अपने जैसे ऐसे में ये यूज़ कर सकें क्योंकि पेरेंट्स की बात हो रही है कि ओल्ड हो मतलब उनकी एज ज़्यादा हो जाती है उनका एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है तो आपने डिस्कस करना है पहले दोनों पॉइंट्स को ठीक है सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन लिखना है फिर फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ में एक पॉइंट को डिस्कस करना है सेकेंड बॉडी पैराग्राफ में अपना दूसरा पॉइंट ऑन द अदर हैंड लिख के दूसरा पॉइंट डिस्कस करना है और फिर आपने अपना ओपिनियन देना है ठीक है और एग्जाम्पल्स देनी है रीजंस बताने हैं ठीक है तो ये थे तो मतलब लिसनिंग के इस तरह के क्वेश्चंस आए हुए थे और राइटिंग टास्क वन लेटर भी मैंने आपको बता दिया और राइटिंग टास्क टू जो है वो ये ऐसे आया था तो प्रैक्टिस 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 एंड प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन दैन यू कैन आस्क इन कमेंट्स